टॉपिक नंबर 3, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और फिर देखना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी वैल्यूज हमें अवेलेबल हैं. बेटा अब आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं डिफरेंट वेरियस फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो लिखी है. सबसे पहली इक्वेशन हमें बता रही है कि आई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस उससे बिल्कुल पैरेलल हो यानी सेम डिस्टेंस पे हो. तो अगर ये कंडीशन आपके पास अप्लाई होगी तो हमारे पास वाई की जो वैल्यूज होंगी वो कॉन्स्टेंट होंगी, के होगी, वाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा. एक्स की आप चाहे कोई भी वैल्यू ले लें, वाई रिमेन सेम. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी जो हमारे पास वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन आ जाए जो कि उससे पैरेलल हो तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, एक्स इज इक्वल टू एच. थर्ड हमारे पास जो इक्वेशन है वो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जो पॉइंट है वो उसको हमने नाम दिया एक्स वन कॉमा वाई वन. अब सवाल जब आपको दिया जाएगा तो एक्स वन और वाई वन की वैल्यूज दी जाएंगी, हैविंग स्लोप एम, तो या तो आपको कोई स्लोप एम दिया जाएगा या फिर कोई एंगल थीटा दिया जाएगा. यहाँ पे मैंने एट द रेट यूज किया है थीटा को डिफाइन करने के लिए, लेकिन आप जब रजिस्टर यूज करें तो आप थीटा इंडिकेट कर दिएगा. फिर हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है अ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. अब जब दो पॉइंट्स होंगे तो एक पॉइंट अगर हम ए सपोज कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट हम बी ले सकते हैं, और अगर हम पी क्यू ले रहे हैं या कोई भी पेयर हम बना सकते हैं पॉइंट्स का. पहला जो आपके पास पॉइंट होगा वो x1 y1 से डिनोट होगा और जो दूसरा पॉइंट होगा वो x2 y2 से डिनोट होगा. फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब ये जो पहले डिवीजन है इसलिए मैंने यहाँ पे एक इजाफी ब्रैकेट यूज किया है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये वैल्यू आएगी स्लोप की जगह, मल्टीप्लाई करेगा x माइनस x1 से. फिर आपके पास जो फाइव इक्वेशन है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होता है, ये नाम डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें कौन कौन से पैरामीटर्स आपके पास होंगे. स्लोप होगा यानी एम गिवन है, इंटरसेप्ट होगा यानी कि सी गिवन है. टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, दो इंटरसेप्ट गिवन होंगे, एक्स एक्सिस का भी इंटरसेप्ट गिवन होगा और वाई एक्सिस का भी इंटरसेप्ट गिवन होगा. तो एक्स डिवाइड बाय ए प्लस वाई डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू वन. लास्ट इक्वेशन जो हमारी है स्ट्रेट लाइन की वो है नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, एक वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, जो हमारी एक लाइन होती है वो उस कर्व से जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है उससे 90 का एंगल बनाती है तो उसे नॉर्मल लाइन कहते हैं. तो नॉर्मल क्या है, एनी लाइन विच मेक एंगल ऑफ 90 विद अनदर लाइन. तो नॉर्मल लाइन हो गई, नॉर्मल लाइन की जो इक्वेशन है वो है x cos theta plus y sin theta is equal to p. p perpendicular length है, ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है. जी मुस्तफा मैम, इक्वेशन नंबर जो 7 है ना, इक्वेशन 7 जी मैम, उस पे कोई एग्जांपल बताएं, कोई करके दें, ये कैसा होगा जो x cos theta plus y sin theta is equal to p. बेटा एग्जाम्पल हम ये सारी की सारी इक्वेशंस की करेंगे वन बाय वन. ओके मैम. जी गिरधारी. हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मैम. ये थर्ड इक्वेशन है, ये रिपीट करना थोड़ी. थर्ड इक्वेशन में कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन पास थ्रो अ पॉइंट, एक पॉइंट आपको दिया जाएगा x1 y1. अब बेटा जब सवाल दिया जाएगा तो यहाँ पॉइंट्स की वैल्यूज दी जाएंगी, जैसे 2,1 हो गया, 7,5 हो गया, हैवन स्लोप m, m आपके पास स्लोप गिवन होगा और साथ साथ कोई ना कोई एक एंगल गिवन होगा, या स्लोप और एंगल में से कंडीशन है, या तो स्लोप गिवन होगा या एंगल, दोनों चीजें नहीं होंगी, एक चीज गिवन होगी. तो हम इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, y माइनस y1, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा कि हमेशा हम जिस चीज को मालूम करते हैं उसमें से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो y माइनस y1 बराबर है स्लोप मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 के. जी मुसाबा.
मैम अगर आपने अभी जो थर्ड का बताया अगर उसमें स्लोप की जगह एंगल दिया हुआ तो फॉर्मूला क्या लगेगा? बेटा स्लोप की जगह फिर आप यूज करोगे टेन ऑफ थीटा। अच्छा टेन थीटा। जी टेन थीटा यूज करेंगे क्योंकि स्लोप बराबर होता है टेन थीटा के। ओके ओके बेटा यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ। देखें हमारे पास दो कंडीशन है, m या तो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है या m y डिवाइड बाय x के बराबर होता है। एक और कंडीशन है कि y m बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, जो कि हमने यूज किया है फोर्थ इक्वेशन में। तो स्लोप की ये तीन कंडीशंस हैं। बेटा अब ये आपके पास सवाल गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट बिलो इट। सबसे पहले तो आप देखें कंडीशन कौन सी लगेगी, जो 7 आपके पास क्राइटेरिया है, 7 इक्वेशंस आपके पास गिवन है, उनमें से कौन सी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होगी पहले आपने वो डिसाइड करना है। अब वो किस तरह से डिसाइड होगा, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है जो कि इक्वेशन नंबर 1 में है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है कि जो आपके पास डिस्टेंस गिवन होगा वो इन टर्म्स ऑफ y होगा, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। हमने यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, हमारे पास कंडीशन है y इज इक्वल टू k। अब y की वैल्यू तो आपके पास सेम रहेगी लेकिन k की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5। अब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये डिस्टेंस दिया हुआ है k की वैल्यू, यहाँ पे हमने लिख दिया 5। उसके बाद हमें ये जो लव्ज है बिलो ये बताएगा कि आपके पास 5 जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर अबव की बात हो रही है तो मीन्स आपने प्लस साइन लगानी है, और अगर बिलो की बात हो रही है मींस आपने माइनस साइन लगानी है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू माइनस 5, ये आपके पास आंसर है। मैम जो ये k है वो डिस्टेंस को शो कर दे। जी k कांस्टेंट नंबर है जो कि डिस्टेंस शो करेगा अलोंग y एक्सिस। मैम कांस्टेंट तो उसकी तो फिक्स वैल्यू होगी ना, ये तो चेंज रहता होगा। बेटा ये चेंज नहीं होगी, y x कहीं पे भी हो, x 1 पे हो, x 2 पे हो, x 5 पे हो, x 10 पे हो, y सेम रहेगा। अच्छा ओके मैम। जी तूबा। और मैम ये जो डिस्टेंस 5 यूनिट्स हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस है। जी बिल्कुल, जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस की लाइन है वो और जो आपकी गिवन लाइन है वो, उन दोनों के बीच एक कांस्टेंट फासला रहेगा, यानी वो दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, तो उनके बीच जो कांस्टेंट फासला है वो 5 का है। और क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से नीचे है तो इसलिए ये माइनस साइन यूज हो रहा है। बेटा मैंने प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज किया है, अब आपकी जो इक्वेशन है वो है पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट टू इट्स लेफ्ट। अब आपने जो इक्वेशन बनानी है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स बनानी है, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट है ना वो शो करेगा प्लस और माइनस साइन को। अगर लेफ्ट है तो हम माइनस यूज करेंगे और अगर राइट है तो हम प्लस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x is equal to minus का 6 is the required equation which is parallel to
y एक्सिस. बेटा आप यहाँ पे देखें, मैंने इंडिकेट भी कर दिया है, x एक्सिस पे जब आप इक्वेशन x एक्सिस से लेंगे तो अबव का मतलब प्लस साइन है, बिलो का मतलब माइनस साइन है, और अगर आप y एक्सिस के निस्पत से चीजें देखेंगे तो लेफ्ट का मतलब माइनस है और राइट का मतलब प्लस है. तो अब आपने यहाँ से भी आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास साइन कौन सी आएगी. बेटा अब सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू माइनस का 4 कॉमा माइनस का 1. क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है ऐसी इक्वेशन आपने मालूम करनी है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल हो और पास हो रही हो थ्रू 2, -3. हमें इक्वेशन को उसी वे में रखना है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मींस हमें इक्वेशन निकालनी इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू एच. अब एच की वैल्यू आपको यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या दी गई है, -3. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी वाई इज इक्वल टू -3. ये आपके पास इक्वेशन आ गई. इसी तरह से सेकंड इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन है वो कहा जा रहा है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रो -6 एंड -4. इस केस में परपेंडिकुलर में और पैरेलल में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ. अगर एक इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है. मुसाबा मैं आपको देती हूँ जवाब, वेट. सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, हमने यहाँ रीजन दिया अगर कोई इक्वेशन y एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी यानी वो इक्वेशन x एक्सिस से पैरेलल होगी. अब हम यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो पैरेलल टू x एक्सिस करेंगे. पैरेलल टू x एक्सिस में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो y की होती है. तो हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू k वाली कंडीशन रखी, y बराबर है -4 के, तो हमने यहाँ रखा y इज इक्वल टू -4 और y +4 इज इक्वल टू 0. ये दोनों आपके पास आंसर है इस इक्वेशन के. जो ये सेकंड इक्वेशन है पैरेलल टू x माइनस एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2, -3, मैम ये तो समझाएं ये. बेटा देखो आपको कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किस चीज की याद रखनी है, पैरेलल टू x एक्सिस. पैरेलल टू x एक्सिस पे इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू k यानी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. अब हमें वैल्यू लेनी है पैरेलल टू x एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ y की. तो y की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, -3. यानी जो आंसर आएगा वो ये आएगा y इज इक्वल टू -3. ये आपके पास आंसर है. इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखने का ये तरीका होता है कि -3 आप y की तरफ अगर भेज दें तो y की जो वैल्यू होगी y +3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कंसीडर होगी. मैम ये जो आपने अभी जितने भी एग्जांपल करवाई हैं तो मैम उन सब का आंसर ये इतनी एक लाइन में ही आएगा जी. ये आपने अभी आइडेंटिफाई करना है बेटा, ये प्रॉब्लम्स नहीं है अभी. अभी आपको जो मैंने 7 इक्वेशंस लिखवाई उन 7 इक्वेशंस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस कैटेगरी में हम किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं. अच्छा तो मैम तो ये आपने जो अभी ये हमें करवाया एक ये क्वेश्चन नंबर 3 जो करवाया परपेंडिकुलर वाला, तो मैम हमने इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की है? हमने यहाँ पे पहली इक्वेशन यूज की है y इज इक्वल टू k.
तो मैम वहाँ पे तो परपेंडिकुलर नहीं था ना, वहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल थी। तो बेटा आपने यहाँ पे कंडीशन नहीं पढ़ी जो मैंने लिखी है, इफ आ इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, अगर कोई इक्वेशन वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो वो लाजमी एक्स एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल। पैरेलल तो कंडीशन किसकी अप्लाई होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की कंडीशन अप्लाई होगी। अच्छा तो मैम अगर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो वो फिर ऐसे ही आएंगे जैसे आपने अभी एग्जांपल करवाई है? बेटा जैसे जैसे सवाल करवा रही हो ना उसी टाइप के सवाल आएंगे, बस क्या होगा या तो वैल्यूज चेंज होंगी या एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस होगा और वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस होगा बस। अच्छा जी मुसाबा मैम, आपने जो एक इक्वेशन लिखवाई है, एक लाइन लिखवाई है, इफ इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये आप ड्रॉ करके बता सकती है लाइंस में? जी बेटा मैं ड्रॉ कर देती हूँ, वेट। ओके मैम, बेटा देखें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रही हूँ मैं, ये तो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए मैंने एक्स और वाई। अब कह रहे हैं एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है वाई एक्सिस पे 90 का एंगल बना रही है, 90 का एंगल किस पे, वाई एक्सिस पे। तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल होगी। ये देखें ये एक ऐसी लाइन है जो कि वाई एक्सिस पे एंगल बना रही है 90 का, इस जगह पे एंगल बनेगा 90 का। जब ये ऐसी कंडीशन होगी तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये एक्स एक्सिस की लाइन से क्या होगी, पैरेलल होगी। पहला पहली जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है अ लाइन थ्रो, आपके पास पॉइंट गिवन है 5, -2, यानी जो आपके पास x1 की वैल्यू है 5 है और जो x2 की y1 की वैल्यू है वो -2 है, और स्लोप m आपके पास दिया जा रहा है 4। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो जो इक्वेशन अप्लाई होगी वो कौन सी होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हम सॉल्यूशन में कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज करेंगे। अब मुझे कैलकुलेट करके बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास है y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। इक्वेशन बताएं क्या बन रही, चलें आप आंसर निकाल के बताएं, आपके पास जो फॉर्म यूज हो रही है वो हो रही है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट की जगह x1 y1 की जगह हम 5, -2 यूज करेंगे और m की जगह हम 4 यूज करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? y सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा, y1 की जगह हम लिखेंगे -2 इज इक्वल टू लगाएंगे, m की जगह हम यूज करेंगे 4, x सेम रहेगा, माइनस x1 की जगह हम यूज करेंगे 5। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, y माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 सेम इज इक्वल टू 4, 4x से भी मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 4x और 4x से भी मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 4x 20। अब आपने सारी की सारी वैल्यूज को एक तरफ करना है तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 4x-y माइनस का 20 और 2 जब सेकंड साइड पे शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे तो 2 भी हो जाएगा माइनस का। तो आपकी इक्वेशन बनी 4x-y -22 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आंसर आ गया है
रिक्वायर्ड इक्वेशन है जब आपके पास 0.5, -2 दिया जाए और स्लोप 4 दिया जाए. देन हमारे पास सेकंड कंडीशन, अ लाइन थ्रो द पॉइंट्स 7, -3 एंड -4, -1. इसका सॉल्यूशन देखें. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो पॉइंट दिए हुए हैं x2 - x1, इससे निकालना है स्लोप. तो हम m निकालेंगे, m की वैल्यू कैसे निकलेगी, y2 - y1. डिवाइडेड बाय x2 - x1. अगर हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो m की वैल्यू आ रही है, y2 में से y1 को निकालेंगे, यानी माइनस जो आपके पास 1 है, 1 में से आपने माइनस करना है 3 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3, ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4. 4 को डिवाइड किससे करना है, x2 - x1, माइनस का 4, माइनस का 7, यानी आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई -11. 4 / 11, ये आपके पास स्लोप आ गया. अब इस स्लोप की वैल्यू को आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में रख सकते हैं. y - y1 = m x - x1. y माइनस आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंसीडर होगा, m की जगह m की वैल्यू लिखें, माइनस का 4 / 11. साथ में आएगा x - x1. x1 की वैल्यू आपके पास है 7, तो x - 7. अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है जैसे हमने अबव इक्वेशन सॉल्व किए, y + 3. y + 3 से वैल्यू जो मल्टीप्लाई होगी वो 11 होगी, क्योंकि हम जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू 11 वो यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम. 11 / y + 3 = अब आपके पास जो -4 है वो मल्टीप्लाई करेगा x - 7 से. -11y + 33 = -4x - - +7, 4 = 28. इक्वेशन को हमने अरेंज करना है, 4x + 11y. बेटा यहाँ पे साइन सही कर लें, ये प्लस है, +33 - 28 = 0. 4x + 11y + 5 = 0. ये आपके पास आंसर आ गया आपके सेकंड क्वेश्चन का. बेटा मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स बता रही हूँ और उस की पॉइंट्स को आपने यूज करके सिर्फ मुझे आंसर बताने कि आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं. यहाँ पे आपके पास इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में हम इक्वेशन लगाएंगे y = mx + c. अब आपने m की जगह 3, 2 पुट करना है और c की जगह 3 पुट करना है, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी. इसका इस इक्वेशन को आपने खुद निकालना है. यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन यूज होगी 6 है, x / a
प्लस वाई डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू वन। ये इक्वेशन आपने यूज करनी है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है यानी के माइनस फाइव, ये माइनस फाइव ए की वैल्यू है और ये माइनस वन बी की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को रख के आपने इसे सॉल्व करना है। और लास्ट में आपके पास सेवन इक्वेशन अप्लाई होगी जो के है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, आपने सिर्फ इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज को पुट करना है और अपने आंसर्स को डिफाइन करना है। मैम ये क्वेश्चन फाइव का जो है ये थोड़ा सा समझा दें आप, सॉल्यूशन तो समझ में आ गया है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। बेटा देखें क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, उन दो पॉइंट्स को यूज करके आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस किस तरह से लेंगे, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, आपने करना है ये स्लोप मालूम करने के लिए y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये वैल्यू आपने रखनी है। अब x1 y1 की जो वैल्यूज हैं वो 7 कॉमा माइनस 3 है और y2 माइनस y1 की जो वैल्यूज वो x2 माइनस x2 कॉमा y2 की जो वैल्यू है वो है माइनस 4 कॉमा 1। इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख के आप स्लोप निकालेंगी और फिर ऊपर वाले पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगी। मैम आपने जो बताया अभी जो आपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन करवाया है उसमें ए और बी की जगह माइनस फाइव और माइनस वन है जी, ठीक है। बेटा एक्स इंटरसेप्ट ए को शो करता है ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स इंटरसेप्ट ए है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है माइनस फाइव के, और जो वाई इंटरसेप्ट है वो बी है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है माइनस वन के। मैम और ये लास्ट क्वेश्चन में कॉस थीटा की जगह कॉस 60 आएगा और साइन 60 आएगा तो वो कैलकुलेटर से निकलेगा ना ये तो? जी ये कैलकुलेटर से आप निकाल के पी की वैल्यू आपने 3 रखनी है और फाइनल इक्वेशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई। ठीक है ठीक है। ओके बेटा ये तीन सवाल मैं के टैली करूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, मुझे इन तीनों के आंसर आप निकाल के बता दिएगा जी।